जीवन सर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों और सहपाठियों का हार्दिक स्वागत है। अपनी जुलाई माह करंट अफेयर्स के हिसाब से क्लास चल रही है, नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपना आज का टॉपिक है एनजीटी। एनजीटी का आपने विशेष रूप से नाम सुना होगा, एनजीटी। एनजीटी एक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी बोलते हैं। ये पूरे भारत में जैसे न्यायालय कार्य करते हैं, वैसे एनजीटी कार्य करते हैं। एनजीटी की फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई है। एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई है और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एक बार फिर इसको अपन समझ लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, ग्रीन का मतलब हरित, ट्रिब्यूनल का मतलब प्राधिकरण। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जो भी भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं वह न्यायाधीश ही इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये सभी राज्यों में किसी भी राज्य को आदेश दे सकता है जो पर्यावरण से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, जो भी राज्य है, अवैध खनन से संबंधित आपने नाम सुना होगा। ऐसे ही पूरे भारत में एनजीटी कार्य करता है। अरावली पर्वतमाला जो वर्तमान में राजस्थान से गुजरती, तो हरियाणा राज्य और ऐसे राज्यों ने अरावली पर्वतमाला को क्षति पहुंचाई, उसको लेकर एनजीटी ने डायरेक्ट आदेश निकाले। ऐसे टोटल भारत में जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इससे संबंधित भारत के टोटल 25 राज्यों पर, भारत के 25 राज्यों पर लगभग एनजीटी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जुलाई 2019 में। और इससे पहले भी ये काफी चर्चा में रहा है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, इनके न्यायालय बिल्कुल अलग है, इनका सब कुछ अलग है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारत के लगभग 25 राज्यों के ऊपर कितना जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये संपूर्ण भारत में हरित प्राधिकरण से संबंधित वर्क करता है। इसमें नेक्स्ट समझते हैं, आज के न्यूज़पेपरों में गेम्स और क्रिकेट को लेकर काफ़ी कवर है कि भारतीय क्रिकेट टीम में बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के 3 खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया टीम, क्रिकेट टीम में सभी जितने भी प्रारूप है, सभी प्रारूपों में क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी राजस्थान से पहली बार चयन हुए हैं। नंबर 1 पे खलील अहमद, जो टोंक के निवासी है। खलील अहमद, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड वर्ष 2017-18 में पूछा जा चुका है कि खलील अहमद का संबंध किस खेल से है और भारतीय क्रिकेट टीम का जिनका चयन हुआ है किस राज्य और किस जिले से। खलील अहमद कहाँ के हैं? टोंक के। ऐसे दो भाई है दीपक चाहर और राहुल चाहर, ये राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया है। इनसे पहले भी दो भाइयों की जोड़ी इरफान पठान और यूसुफ पठान का आपने नाम सुना होगा और वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप में काफ़ी चर्चित रहे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या। तो ये भी इनसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम में भाइयों की जोड़ी खेल चुकी है। तो राजस्थान के रेफरेंस में 3 खिलाड़ी जिनका भारतीय क्रिकेट टीम में जुदा वेस्ट इंडीज दौरे के लिए चयन किया गया है, खलील अहमद टोंक, दीपक चाहर और राहुल चाहर। ये दोनों बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से। इसी क्रिकेट टीम में
वर्तमान में तीनों प्रारूपों में 2020 वनडे और टेस्ट मैच में जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए विराट कोहली। क्रिकेट 2019 विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान में काफी सदमे में चल रही है, तो विराट कोहली को वापस तीनों प्रारूपों में कप्तान बनाया गया है। इसी प्रकार वर्तमान में भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है स्मृति मंदाना, जिन्हें वर्ष 2018 का अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। इसी प्रकार भारतीय हॉकी टीम के जो वर्तमान में कप्तान है उसका नाम है रितु रानी। भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान में महिला कप्तान जिसका नाम क्या है, रितु रानी, और इनसे पहले थी रानी रामपाल। इन दोनों का संबंध है हॉकी से, इसका संबंध है क्रिकेट से, और विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट से। ये आज के सभी न्यूज़पेपरों में और टीवी चैनलों में सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। इसी प्रकार जो भारतीय हॉकी टीम है उसका वर्तमान में पुरुष यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान है वह वर्तमान में मनप्रीत सिंह है। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। तो ये गेम से संबंधित कुछ विशेष रूप से जानकारी थी। और क्रिकेट के अलावा अदर्स गेम की चर्चा करते हैं जो आज वर्तमान में काफी विषय चर्चा का विषय है। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन, देखो हर साल प्रतियोगिताएं होती है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता 2019, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता 2019 फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु जो भारत की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु को जापान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी यामागुची द्वारा हरा दिया गया है। यामागुची कहाँ की है, ये जापान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है यामागुची। देखो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2019 प्रतियोगिता का विजेता कौन है, तो इसका विजेता है यामागुची, कहाँ की महिला खिलाड़ी है, जापान के, और उपविजेता कौन है, पीवी सिंधु। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेने वाले और भी खिलाड़ी थे, सबसे पहले नाम आता है किदांबी श्रीकांत। इसके बाद है साईनाथ प्रणीत। इसके बाद है एच एस प्रणय, लक्ष्यसेन और भारत की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। ये जो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके वहां पर मदद करेंगे कि निम्न में से किस खेल का संबंध, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से नहीं, जहां पर क्वेश्चन आएगा सुमलित करने में, तो किदांबी श्रीकांत, साईनाथ प्रणीत, एच एस प्रणय, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। और इंडोनेशिया बैडमिंटन 2019 किसके द्वारा जीता गया है, यामागुची, जापान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है। और उपविजेता कौन रहा है, पीवी सिंधु। जैसे मैंने आपको पहले विंबलडन ओपन प्रतियोगिता जो किससे संबंधित है, टेनिस से, प्रत्येक साल के एक साल के अंदर प्रारूप के हिसाब से प्रतियोगिताएं होती है टेनिस बैडमिंटन सब में, तो यही प्रतियोगिताएं हर साल चलती रहती है। तो जैसे सबसे पहले टेनिस के अंदर होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होती है विंबलडन ओपन जो जुलाई 2019 में भी रोजर फेडर और नवाक जोकोविच के बीच फाइनल खेला गया था। ऐसे पुरुष एकल, महिला एकल, संयुक्त, इसमें ये प्रतियोगिताएं होती, और साल के सबसे अंत में जो होती है उसको बोलते हैं अमेरिकन ओपन या यूएसए ओपन।
तो ये प्रतियोगिता है तो टेनिस से संबंधित है, जबकि बैडमिंटन से जो संबंधित है ये इंडोनेशिया ओपन सभी देशों में अलग अलग नाम से चलती रहती है। इसी प्रकार से वर्तमान में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान है उसको छोड़ने का जो लक्ष्य 15 जुलाई को रखा गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण, कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 22 जुलाई को वापस ये लॉन्च किया जाएगा। तो जो इसरो है, इसके जो मेन इसरो के संस्थापक है या इसरो के जो जनक है, भारतीय इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जो जनक है उनका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ये जो विक्रम साराभाई है इनको ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक या पितामह कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई के नाम पर ही जो वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है उसका जो रोवर है, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसमें तीन प्रकार की प्रणाली होती है, रोवर और लैंडर। ऐसे जो लैंडर है और रोवर है, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम और रोवर का जो नाम रखा गया है, जो रोवर है उसका नाम रखा गया संस्कृत भाषा के हिसाब से प्रज्ञान। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चंद्रयान मिशन जुलाई 2019 सर्वप्रथम डेट कब थी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को लॉन्चिंग न करके 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2019 जो आज अपनी क्लास चल रही है उसमें लॉन्चिंग किया जा रहा है। तो विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र या जो जनक है इनके नाम पर रोवर का नाम क्या रखा गया है, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है। अब इसरो से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई है, ये सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना कब की गई है। अभी 15 अगस्त आने वाली है जुलाई माह के बाद, तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई है, इसरो की। जैसे संपूर्ण विश्व में नासा कार्य करता है, जो अंतरिक्ष एजेंसी के मामले में सबसे बड़ा केंद्र है अमेरिका देश में, ऐसे भारत में कौन सा कार्य करता है, इसरो। लेकिन ये जो प्रक्षेपण यान है चंद्रयान टू, ये चंद्रयान टू सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा, सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्चिंग किया जा रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जो जनक है विक्रम साराभाई उनके नाम पर इसके लैंडर का नाम क्या रखा है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या रखा है, प्रज्ञान, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति है वह है राकेश शर्मा, अंतरिक्ष या चंद्रमा पे जो जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है उनका नाम है राकेश शर्मा। जबकि संपूर्ण विश्व में जो चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति है उनका नाम है यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। और चंद्रयान मिशन के द्वारा ही सर्वप्रथम, चंद्रयान मिशन के द्वारा ही सर्वप्रथम चंद्रमा पर पानी की खोज की गई, पानी का पता लगाया गया, ये विशेष रूप से आप सबको ध्यान रखना है। तो इसरो से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके बाद वर्तमान में जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, तेलंगाना राज्य में बेलोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बेलोन महोत्सव, बेलोन महोत्सव,
जैसे सब राज्यों की अलग अलग परंपरा रही है, भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से तीज त्योहार पर्व अलग अलग हिसाब से मनाए जाते हैं। तो जो बेलोन महोत्सव है ये मानसून उत्सव के समय यानी कि जब मानसून की पष्ट बरसात होती है या मानसून का आगमन होता है उस समय तेलंगाना राज्य के हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद इनको जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में सर्वाधिक लगभग सभी व्यक्ति यहाँ के सबसे ज़्यादा जो महोत्सव मनाते हैं उसका नाम है बेलोन महोत्सव। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से क्लियर होता है कि बेलोन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। जैसे बहुत सारे एग्जामों में आपसे 10-5 साल पहले क्वेश्चन आते थे कि ओणम नामक त्यौहार, ओणम का आपने विशेष से नाम सुना होगा, ओणम नामक त्यौहार या पर्व का संबंध किस राज्य से है, केरल राज्य से। इसी प्रकार तेलंगाना का वर्तमान में बेलोन महोत्सव जब जब मानसून का आगमन होता है, जब जब मानसून की अच्छी बरसात होती है तब बेलोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तेलंगाना सरकार के द्वारा एक तरह से ये राष्ट्रीय पर्व के समान मनाया जाता है और हैदराबाद सिकंदराबाद में सर्वाधिक मनाया जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये हर वर्ष जुलाई माह में ही आयोजित किया जाता है। तेलंगाना से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो समझ लेते हैं। तेलंगाना वर्तमान में भारत का 29वां राज्य है, ये आप सब जानते हो, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना है। तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम चंद्रशेखर राव है, चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में जो विधानसभा है जिसके चुनाव राजस्थान के साथ संपन्न हुए हैं, तेलंगाना के विधानसभा में कुल वर्तमान में 119 सीटें हैं, जबकि जो तेलंगाना की लोकसभा है, तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं और जो तेलंगाना की राज्यसभा है, तेलंगाना की राज्यसभा है उसमें कुल 7 सीटें हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विधानसभा में कितनी सीटें 119, लोकसभा में कितनी 17, राज्यसभा में कितनी 7। ये तेलंगाना से संबंधित कुछ बेलोन महोत्सव से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी में बिल्कुल 20 जुलाई 2019 को भारत की प्रसिद्ध महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित का देहांत हो गया है। तो शीला दीक्षित से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे संबंधित चर्चा करते हैं। शीला दीक्षित सर्वाधिक समय तक रहने वाली दिल्ली की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिनका कार्यकाल लगभग 15 वर्ष तक रहा है। शीला दीक्षित का जबकि जन्म पंजाब राज्य में हुआ है, शीला दीक्षित का जन्म पंजाब राज्य में हुआ है और ये सर्वप्रथम सांसद कन्नौज नामक स्थान से, जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है यूपी में, कन्नौज नामक सांसद लोकसभा सीट से सांसद बनी थी 1984 में। ये सांसद सर्वप्रथम कहां से बनी थी, कन्नौज एमपी से, और दिसंबर 1998 से लेकर दिसंबर 2013 तक, तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। इनका टोटल कार्यकाल कितना, 15 वर्ष का। तो शीला दीक्षित का जन्म कहाँ पर हुआ है, पंजाब में, और सांसद किस राज्य से बनी है, कन्नौज यूपी से, और इनका जो पश्चिम में कन्नौज यूपी से सांसद बनी 1984 से लेकर 89 तक, दिसंबर 1998 से लेकर दिसंबर 2013 तक कहाँ के मुख्यमंत्री रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, कितनी बार लगातार, तीन बार, कितने वर्ष तक रही है, 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही है, जिनका देहांत किस दिन हो गया, 20 जुलाई 2019 को इनका देहांत हो गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2014 में
भारत सरकार द्वारा इन्हें 2014 में केरल राज्य का राज्यपाल भी बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने केरल राज्य के राज्यपाल से अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। और 2014 के बाद से ही, जैसे ये 2013 में मुख्यमंत्री के पद से हैं, चुनाव में इनकी हार हुई 2014 में, तब से ही 2014 से लेकर 2019 तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। इससे संबंधित और भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली के सर्वप्रथम जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम बुद्ध प्रकाश है। दिल्ली के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को ने बुद्ध प्रकाश है। और वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो आरआरबी 2019 में पूछ लिया गया है, मई 2019 में आरआरबी का एग्जाम हुआ है, कि भारत के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री जो आईआईटीएन पास आउट मुख्यमंत्री है, आईआईटीएन पास आउट मुख्यमंत्री है। जैसे कोटा एजुकेशन सिटी से बिल्कुल ये वीडियो लेक्चर हो रहा है, तो कोटा में जो एलन जो कोचिंग है आईआईटी के लिए संपूर्ण भारत में और पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, तो इसी प्रकार देश के जो वर्तमान में सीएम है अरविंद केजरीवाल, ये आईआईटीएन पास आउट प्रथम मुख्यमंत्री है। लेकिन इनसे संबंधित जो गोवा के मुख्यमंत्री थे भूतपूर्व, गोवा के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जिनका आपने विशेष रूप से नाम सुना होगा, मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर का देहांत 17 मार्च 2019 को, मनोहर पर्रिकर का देहांत 17 मार्च 2019 को हो गया है। तो इनसे पहले भी अगर मनोहर पर्रिकर अभी वर्तमान में होते, क्वेश्चन आता कि वर्तमान में देश के प्रथम आईआईटीएन पास आउट मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर क्या होता, मनोहर पर्रिकर। लेकिन इनका देहांत हो गया तो वर्तमान में कौन बचे, अरविंद केजरीवाल। मेरे कहने का अर्थ है कि भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अभी वर्तमान तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें सबसे पहले आईआईटीएन पास आउट बनने वाले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे, और सेकेंड नंबर पे अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है, इसलिए कौन बचे वर्तमान में, अरविंद केजरीवाल। मात्र ये 2 ही मुख्यमंत्री है जो संपूर्ण देश में आईआईटीएन पास आउट मुख्यमंत्री बने हैं। मेरा कहने का अर्थ है, दिल्ली से संबंधित और भी वार्तालाप करते हैं। दिल्ली चर्चा में बना हुआ है वर्तमान में, और दिल्ली की राजगद्दी इतिहास में पढ़ो आप, किसी भी सब्जेक्ट में हो, दिल्ली से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी गतिविधियां दिल्ली से ही संचालित की जाती है। जैसे मैंने आपको शीला दीक्षित पढ़ाया, उसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शीला दीक्षित से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझना, शीला दीक्षित से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है। इनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा, शीला दीक्षित दिल्ली की सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री है। सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। शीला दीक्षित ने सर्वप्रथम चुनाव केरल राज्य से 2014 में लड़ा था, या केरल राज्य की शीला दीक्षित 2014 में राज्यपाल भी बनाई गई, और शीला दीक्षित ने कन्नौज यूपी से सांसद का चुनाव सर्वप्रथम 1984 में लड़ा था। तो जो यहाँ पर दिल्ली की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो शीला दीक्षित नहीं है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज है, जो शीला दीक्षित से पहले बन गई थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है,
सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी रह चुकी है 16वीं लोकसभा में 2014 से लेकर 2019 तक, और ये विदिशा जो मध्य प्रदेश में स्थान का नाम है, विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ती है। विदिशा मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। लोकसभा सांसद बनने के बाद 16वीं लोकसभा में इन्हें सर्वप्रथम भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनाया गया। उन्हीं सुषमा स्वराज की मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सुषमा स्वराज सर्वप्रथम दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 12 अक्टूबर 1998 को बनी थी, जो दिसंबर 1998 तक लगभग 52 दिन तक रही थी। इसके बाद से दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है शीला दीक्षित, दिसंबर 1998 से लेकर 2013 तक, जो मैंने आपको समझाया और बताया। तो दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज कर दे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली से बनी, सुषमा स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी, तो आंसर क्या आ जाएगा? शीला दीक्षित। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो प्रसिद्ध महिलाएं हुई है, बहुत कुछ राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री रही है, तो उनसे भी संबंधित कुछ समझ लेते हैं। विशेष रूप से ये सबको मालूम होगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भारत की संपूर्ण, जो भारत की अपन बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी तो यूपी की भी होगी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन है? सुचेता कृपलानी। जबकि जो वर्तमान में सुश्री मायावती है, जिनका विशेष रूप से नाम जानते हैं सभी स्टूडेंट, सुश्री मायावती है, ये यूपी राज्य की महिला मुख्यमंत्री तो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुश्री मायावती। जबकि संपूर्ण भारत की व उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। इसी में आगे बढ़ते हैं, वापिस भी संपूर्ण भारत की बात करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, संपूर्ण भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, देखो जो पूरे भारत की यहाँ पर बात हो रही है, आपके जो मन में मस्तिष्क में विचार क्वेश्चन आ रहा है महबूबा मुफ्ती संपूर्ण भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री नहीं है। संपूर्ण भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर है। सैयदा अनवर तैमूर है, और ये असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम, जो पूर्वी भारत में पड़ता है और सात बहनों के देश के नाम से जाना जाता है। असम की वर्तमान में राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? सर्वानंद सोनवाल है। तो इसी असम राज्य की बात कर रहा हूँ। असम की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी कौन होगी? सैयदा अनवर तैमूर। और संपूर्ण भारत की 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सैयद अनवर तैमूर। जबकि जम्मू कश्मीर की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? महबूबा मुफ्ती। और संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत की दूसरी मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है और विशेष रूप से याद रखना है। इसी टॉपिक्स में बिल्कुल आगे वार्तालाप करते हैं कि
जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हुए जिनमें महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, तो उन सबको समझ लेते हैं। पंजाब राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है राजेंद्र कौर बुट्टल। जैसे राजस्थान के रेफरेंस में आप सब जानते हो कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। इसी प्रकार पंजाब राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, राजेंद्र कौर बुट्टल। ऐसे ओडिशा राज्य वर्तमान में जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और वहां पर जहां पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसका हॉकी विश्व कप वर्ष 2018 भी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो ओडिशा की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है नंदनी सतपथी। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नंदनी सतपथी। वर्तमान में बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ओडिशा के क्या है, मुख्यमंत्री है। ऐसे ओडिशा राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, नंदनी सतपथी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु राज्य, जो काफी चर्चा में चलता रहता है, तमिलनाडु राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ललिता, जो आप विशेष रूप से किसके नाम से जानी जाती है, अम्बा या अम्मा के नाम से भी जानी जाती है, जय ललिता तमिलनाडु राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना। जय ललिता जिनका भी देहांत हो चुका है, ये तमिलनाडु की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, जानकी रामचंद्रन। ऐसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, जो 16वीं लोकसभा में 2014 से लेकर 2019 तक क्या रह चुकी है, जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी है। तो एक बार फिर पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर बुट्टल, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदनी सतपथी, तमिलनाडु की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन और सेकंड जय ललिता, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। ऐसे ही और भी राज्य हैं जिनकी महिलाएं प्रथम मुख्यमंत्री रही है, नेक्स्ट इसी में बिल्कुल आगे देखते हैं। आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित पहले भी चर्चा कर चुके हैं, गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल है। वर्तमान में भी काफी चर्चा में चल रही है, आनंदी बेन पटेल है। गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, आनंदी बेन पटेल, विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और वर्तमान महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता बनर्जी है, जो अविवाहित महिला मुख्यमंत्री भी है। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है। जबकि विशेष रूप से यूपी की अगर प्रथम दलित महिला की बात हो तो यूपी की प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती है, जो वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी की क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जबकि संपूर्ण भारत में भारत की प्रथम महिला या संपूर्ण भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी, जिससे संबंधित वार्तालाप हो चुकी है। तो ये कुछ राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री थी जो इम्पोर्टेंट थी, विषय उससे संबंधित वार्तालाप अपनी हुई है। अब कुछ राज्यों में वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ बिल्कुल एक लिस्ट में आपको बना देता हूँ, इससे संबंधित आप देख लेना और याद कर लेना, रटना नहीं है, समझना है।
रटने से कभी भी किस्म क्लियर नहीं होता, अगर समझाए तो सब चीजें, और ट्रिक हमेशा एग्जाम में फेल होती है। ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, ट्रिक एग्जाम में सहायता नहीं देती, इसलिए विशेष रूप से समझना है। बिहार जिसके वर्तमान में राज्यपाल बनाए गए हैं, बिहार राज्य वर्तमान में जिसके राज्यपाल है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और फागू चौहान बिहार राज्य के वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिहार के बाद नाम आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के वर्तमान में जो राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। इसके बाद नाम आता है नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल बनाए गए हैं आर्यन रवि। नागालैंड एकमात्र संपूर्ण भारत का आंग्ल भाषी राज्य। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आर्यन रवि। और पश्चिमी बंगाल के जो वर्तमान में राज्यपाल बनाए गए हैं जगदीप धनखड़। ये राजस्थान झुंझुनू के निवासी है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जगदीप धनखड़ का संबंध किससे है, झुंझुनू राजस्थान से। तो बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। त्रिपुरा के कौन है, रमेश बैस। नागालैंड के कौन है, आर्यन रवि। पश्चिम बंगाल के कौन है, जगदीप धनखड़। ये 19-20 जुलाई 2019 को बनाए गए हैं। और बिहार की राजधानी क्या है, पटना। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। वर्तमान में आगे त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, विप्लव कुमार देव। नागालैंड की राजधानी क्या है, खोईमा। वर्तमान में नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। अभी आंग्ल भाषी राज्य है तो जैसा राज्य है जैसी भाषा है वैसे ही शब्दों का और बोलियों का प्रयोग आपको बिल्कुल देखेगा, नाम के हिसाब से ही मालूम पड़ जाएगा। नेफ्यूरियो आंग्ल भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर मात्र देश का एकमात्र राज्य जो आंग्ल भाषी है, नागालैंड का वर्तमान में सीएम कौन है, नेफ्यूरियो। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का वर्तमान मुख्यमंत्री आप सब जानते ही हो, ममता बनर्जी, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान के साथ जिन राज्यों की सीमाएं टच होती है, लगभग सभी राज्यों में वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन चारों राज्यों में भी राज्यपाल वर्तमान में चेंज हुए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबाई या बेन पटेल को बनाया गया है, आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य की भी जो राज्यपाल वर्तमान में बनाया गया है अनुसुईया उइके। ऐसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल बनाया गया है उनका नाम है लालजी टंडन। और जो गुजरात है, गुजरात के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ये सभी 18-19-20 जुलाई 2019 तक बनाए गए हैं। तो ये राजस्थान के जिन राज्यों से सीमाएं टच होती है, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। यूपी के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके, एमपी के लालजी टंडन और गुजरात के आचार्य देवव्रत। चार राज्य और है जिनके भी नए राज्यपाल बने हैं। तो चार राज्यों में सबसे पहले नाम आता है हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। एक वर्तमान में दिल्ली काफी चर्चा में है, और जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा,
तो ये सभी राज्यों के राज्यपाल बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल बनाया गया है उनका नाम है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी 17वीं लोकसभा के साथ ही चुनाव भी संपन्न हुए विधानसभा के, और विशेष रूप से ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल बनाया गया है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू के स्थान पर जगमोहन रेड्डी बने हैं। दिल्ली है, दिल्ली के वर्तमान में देखो, दिल्ली में राज्यपाल शासन नहीं, राज्यपाल नहीं बनता, उपराज्यपाल बनता है, विशेष रूप से ध्यान रखना उपराज्यपाल। तो जो दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है उनका नाम है अनिल बैजल, अनिल बैजल। और जो जम्मू कश्मीर है, अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से संबंधित अगर आप 22 जुलाई 2019 का कोई सा भी न्यूज़पेपर देखोगे, कोई सा भी न्यूज चैनल सर्च करोगे, तो बिल्कुल न्यूज चैनल के सभी सुर्खियों में जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक काफी चर्चा में बने गए हैं। इनके द्वारा एक बयान दिया गया है, सत्यपाल मलिक वर्तमान में भारत का एकमात्र राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जो आतंकवादी और माओवादी है, जो निर्दोष जनता को आतंकवादी निशाना बनाते, उसके स्थान पर राजनेताओं को या दोषी जो राजनेता फर्जीवाड़ा करते भ्रष्टाचार करते उनको निशाना बनाया जाए तो अच्छा है। इस बयान के कारण जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक वर्तमान में काफी चर्चा में चल रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। दिल्ली के उपराज्यपाल, ध्यान रखना दिल्ली में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है डायरेक्ट किसके द्वारा, राष्ट्रपति, यानी कि दिल्ली की जो पूरी विधानसभा है और जो दिल्ली का सब कुछ है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके, उपराज्यपाल की नियुक्ति करना है, हटाना है, सब चीजें पूरी दिल्ली की विधानसभा, मुख्यमंत्री, सब चीजें किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा, न कि जैसे वर्तमान किसी भी राज्य में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री है किसी के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल के, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति को जो उपराज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन ऐसे सभी राज्यों में करता है। लेकिन जो उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सब जो जवाबदेह जो प्रति जिसके प्रति जवाबदेह होंगे उस वो कौन होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद भवन जो दिल्ली है वहीं से सारी गतिविधियां संचालित की जाती है, और राज्यपाल सब राज्यों में होंगे और दिल्ली में क्या होगा, उपराज्यपाल होता है। तो जम्मू कश्मीर का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है, आप सब जानते होंगे शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में, और यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री कौन है, ये भी विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा, अजय देव ठाकुर। तो ये